रात में पटाखे बेचने वाली चुड़ैल। एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में कमलेश, उसकी पत्नी राधिका और उनका 8 साल का बेटा सचिन रहते थे। एक दिन सचिन बड़े ही मजे से अपने माँ बाबा के साथ बाजार में घूम रहा था, तभी उसे एक दुकान पर ढेर सारे पटाखे दिखाई दिए। सचिन अपने बाबूजी से पटाखों की जिद करने लगा। बाबूजी, मुझे भी पटाखे चाहिए। अरे बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हम तो बाजार बस कुछ जरूरी सामान लेने आए हैं। जब कुछ दिलाना नहीं था तो लेकर ही क्यों आए, मुझे वापस ले चलो अभी के अभी। अरे बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। देखो, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़े दिन बाद जब बाबूजी को तनख्वाह मिलेगी तो तुमको पटाखे भी दिलवा देंगे। सब बच्चे अभी से पटाखे जला रहे हैं, बस मेरे ही बाबूजी मुझे कुछ नहीं दिलाते। सचिन बड़ा ही गुस्सा हो जाता है, पर उसके माँ बाबा के पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो उसे मनाने के लिए पटाखे दिला सके। वो सब बिना बाजार घूमे ही घर वापस आ जाते हैं। सचिन बहुत नाराज होता है। खिड़की पर खड़ा वो दूसरे बच्चों को बम पटाखे जलाते हुए देख रहा होता है। अरे देख सोनी, ये अनार बम कितना ऊपर तक जाता है। मुझे तो डर लगता है अनार से, मेरी तो ये रंग बिरंगी फुलझड़ी ही अच्छी है। राहुल और सोनी घर के बाहर अपने पटाखे जला रहे होते हैं और सचिन उनको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब राहुल सचिन को आवाज देता है तो सचिन उदास हो जाता है और राहुल से बोलता है, नहीं मैं नहीं आ सकता, मेरे पास पटाखे नहीं है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे लिए अभी तक पटाखे नहीं लाए। देखो ना, अपना सचिन कितना उदास है। उदास तो इसलिए है क्योंकि उसे छोड़ सब बच्चे अभी से पटाखे जला रहे हैं। तुम ये भी समझो ना कि हमारे पास खाने को तो है नहीं, तो फिर पटाखे कहाँ से लाएं? अरे मैंने कहाँ कुछ कहा, मैं तो सब समझती हूँ, पर अभी सचिन छोटा है इसलिए कुछ समझता नहीं। चलो अब जाने दो, चलकर सोते हैं। कमलेश और राधिका अंदर जाकर सो जाते हैं और सचिन भी गहरी नींद में सो चुका होता है। रात को गांव में एक चुड़ैल आती है, उसके पास एक बड़ा सा बैग होता है। वो चुड़ैल सचिन के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। खटखटाने की आवाज से सचिन की आंख खुल जाती है। अरे ये इतनी रात को खटखटाने की आवाज कैसी, माँ बाबूजी तो अंदर सो रहे हैं। कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ। सचिन आंखें मलता हुआ उठता है और दरवाजा खोलता है। सचिन की एकदम से नींद ही उड़ जाती है। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है जिसके हाथ में एक डिब्बा होता है। चुड़ैल, डरो मत बच्चे, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगी, मैं तो तुम्हारे लिए ये पार्सल लाई हूँ। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है, इसे दिवाली पर ही जलाना और किसी को भी इसके बारे में मत बताना। इतना कहकर वो चुड़ैल डिलीवरी गर्ल वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सचिन बड़ा खुश होकर अपने बिस्तर पर आकर बैठ जाता है और पार्सल को खोलने लगता है। जब वो उस डब्बे को खोलता है तो उसमें ढेर सारे पटाखे होते हैं। सचिन तो ये देखकर खुशी से पागल हो जाता है। अरे वाह, इतने सारे पटाखे, मेरे तो मजे ही आ गए। अब मैं इनको पलंग के नीचे जल्दी से छुपा देता हूँ और इनको कल जलाऊंगा और माँ बाबूजी को इनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। सचिन इतना खुश होता है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। जब अगले दिन वो उठा तो सबसे पहले उठकर उसने पटाखों को चेक किया कि वो अपनी जगह पर है कि नहीं। जब वो देख लेता है कि उसके पटाखे अभी भी वही हैं, तो उसे यकीन होता है कि कल रात जो हुआ वो सच था, कोई सपना नहीं था। उसे देखकर उसके माँ बाबूजी भी हैरान होते हैं। अरे सचिन, आज तो तुम बहुत खुश हो। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो अपनी खुशी का राज हमको भी बताओ। वो कल रात मुझे बहुत अच्छा सपना आया था, मैं बस इसलिए खुश हूँ। अजीब बात है, बस सपने से तुम इतना खुश हो। खैर चलो, अब जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ और नाश्ता कर लो। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी फटाफट तैयार हो जाता हूँ। उसके बाद सचिन स्कूल चला जाता है और उसके जाने के बाद जब राधिका घर में झाड़ू लगा रही होती है तो उसे पलंग के नीचे पटाखों का डिब्बा मिलता है। अरे ये डिब्बा कैसा? राधिका उसे खोल कर देखती है तो उसमें ढेर सारे पटाखे होते हैं।
जिनको देख वो एकदम हैरान ही रह जाती है और जल्दी से अपने पति को आवाज देकर बुलाती है। अजय सुनते हो? कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। राधिका की आवाज सुनकर कमलेश फटाफट वहाँ आता है। अरे क्या हुआ, क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? ये देखो तो जरा, ये कहाँ से आए? पटाखे से भरे डब्बे को देख कमलेश भी हैरान रह जाता है। मैं तो कोई पटाखे लेकर आया नहीं, और कल रात तक पटाखों के पीछे ही सचिन मुंह फुलाकर बैठा था, तो फिर ये सुबह तक पटाखों का डब्बा कहाँ से आ गया? आने दो इस सचिन को। दिन में जैसे ही सचिन स्कूल से आता है तो उसकी माँ उस पर बरस पड़ती है और पटाखों के बारे में पूछने लगती है। तेरे पास पटाखे कहाँ से आ गए ये बता, हमने तो तुझे कल कोई पटाखे नहीं दिलाए थे, तो रात रात कौन तुझे पटाखे दे गया? अब सचिन उस चुड़ैल डिलीवरी गर्ल के बारे में सोचने लगता है जो उसे पटाखे देकर गई थी, पर उसको उस चुड़ैल की वो बात याद आ जाती है कि किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना। राधिका पटाखों का डब्बा घर के बाहर रखती है और उसमें आग लगाने लगती है कि तभी सचिन बोल पड़ता है। अच्छा अच्छा माँ, मैं सब बताता हूँ, पर आप ये बात किसी को मत बताना। ठीक है, जल्दी बोल। कल आधी रात को पटाखे सप्लाई करने वाली चुड़ैल डिलीवरी गर्ल आई थी। आधी रात में वो दरवाजा पीट रही थी। आप और बाबूजी गहरी नींद में थे, इसलिए मैंने ही जाकर दरवाजा खोल दिया, और सामने वो चुड़ैल ये डब्बा लेकर खड़ी थी। उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और बस ये डब्बा देकर चली गई। राधिका को तो सचिन की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता और उसे लगता है कि सचिन वो पटाखे कहीं से चुरा कर लाया है। रात को उसे उसके बाबूजी से भी डांट पड़ती है। सचिन वहाँ से चला जाता है। इस चुड़ैल की वजह से मैं कितना फंस गया। अगर ये दूसरे बच्चों को भी पटाखों के पार्सल दे रही है तो ये आज रात भी जरूर आएगी। बस फिर सचिन रात को जाकर खिड़की के बाहर झांकने लगता है। आधी रात में उसे फिर से वही चुड़ैल दिखती है। वो चुड़ैल एक डब्बा निकालती है और फिर पड़ोस वाले गोलू के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर गोलू आता है और वो भी चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। अरे बच्चे डरो मत मुझसे, मैं तुमको यहाँ डराने या मारने नहीं आई हूँ। मरने से पहले मैं एक डिलीवरी गर्ल थी और लोगों को पार्सल देती थी, और मरने के बाद आज भी मैं यही करती हूँ, लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से पार्सल देती हूँ। ओह अच्छा, अब मैं ये सारे पटाखे लेकर अपने दोस्तों को दिखाऊंगा और तुम्हारे बारे में उनको बताऊंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये पटाखे तुम छुपा कर रखना और दिवाली वाले दिन ही जलाना। सचिन खिड़की से चुड़ैल और गोलू को बातें करते देखते रहता है और फिर जल्दी से जाकर अपने माँ बाबा को उठाता है। कमलेश और राधिका सचिन की बात मानकर देखने जाते हैं। सचिन तभी खिड़की से उनको उस चुड़ैल डिलीवरी गर्ल को दिखाता है। दोनों उस चुड़ैल को देख एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। हे भगवान, ये चुड़ैल इस गोलू से क्या बात कर रही है? माँ, ये इसको भी वही पार्सल देने आई है जो मुझे देकर गई थी। मैंने वो पटाखे सच में कहीं से नहीं चुराए, ये चुड़ैल ही मुझे देकर गई थी। हमें तुम पर यकीन करना चाहिए था। सब लोग उस चुड़ैल को देखते रहते हैं। थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल गोलू को पार्सल देकर वहाँ से निकल जाती है। अब अगले दिन सुबह उठते ही कमलेश और राधिका गोलू के घर जाते हैं और उसके माँ बाबूजी को बुलाकर सारी बात बताते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो, चुड़ैल पटाखे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गोलू, अपने माँ बाबूजी को उस चुड़ैल के बारे में सच सच बताओ जो रात को तुमको पटाखों का डब्बा देकर गई थी। गोलू ये सुनकर डर जाता है, पर काफी पूछने पर वो सब सच सच बता देता है। अब गोलू और सचिन के माता पिता एक एक करके सबके घरों में जाकर बच्चों से उस चुड़ैल के बारे में पूछते हैं, तो पता चलता है कि वो पटाखा सप्लाई करने वाली चुड़ैल डिलीवरी गर्ल सभी के घरों में सभी बच्चों को पटाखों की सप्लाई करके गई है। पूरे गांव में उस चुड़ैल का हाहाकार मच जाता है। गांव के बीचों बीच सभी पटाखों के डिब्बों को रखा जाता है। उसके बाद उसी गांव के पंडित को चुड़ैल पकड़ने के लिए बुलाया जाता है। देखो बच्चों, मेरे बस का चुड़ैल पकड़ना नहीं है, पर ये बात साफ है कि इन डब्बों में बच्चों के लिए पटाखे नहीं बल्कि उनकी मौत है। वो चुड़ैल बच्चों को शिकार बना रही है। क्या, आपको कैसे पता? हर डब्बे पर ये जो लाल निशान है वो खून का निशान है,
और जहाँ ऐसा हो वहाँ बहुत ही गड़बड़ होती है। अब इसका एक ही हल है, इन पटाखों को बिना जलाए ही खत्म किया जाए। बस फिर गांव वाले उन पटाखों को एक बेकार कुएं में फेंकने लगते हैं। सारे पटाखे पानी में जाकर खराब हो जाते हैं। अब याद रहे कि आज से लेकर दिवाली तक अपने घर के बाहर एक दिया जरूर जलाना और उसमें काले तिल डालने हैं, इससे वह चुड़ैल आसपास भी नहीं भटकेगी। बस फिर ऐसा ही होता है, रात को जब वो चुड़ैल आती है तो सबके घर के आगे दिए देखकर दूर से ही भाग जाती है। ऐसी ही करते करते दिवाली आ जाती है और चुड़ैल अपने मकसद में नाकामयाब रहती है और दिवाली वाले दिन गांव के पवित्र दीयों की रोशनी और महापूजा से उसका अंत हो जाता है। उसके बाद पूरा गांव बड़े धूमधाम से दिवाली मनाता है। चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है। भागता कहाँ है, अब तेरी बारी है, किडनी निकालेगा तू सबकी। अच्छा तो ये सब तुमने किया है? हाँ ये सब मैंने किया है, मैंने ही इस डॉक्टर की किडनी निकाली है और अब मुझे तेरी किडनी निकालनी है। एक छोटे से शहर में मिस्टी नाम की लड़की अपने माँ पिताजी और अपने छोटे भाई पंकज के साथ रहती थी। मिस्टी 20 वर्ष की थी, उसका भाई पंकज 15 वर्ष का। पंकज बचपन से ही अपाहिज था। मिस्टी के पिताजी रिक्शा चलाते थे। मिस्टी भी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर मुश्किल से थोड़ा बहुत ही कमा पाती थी, जिससे उसके घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। कभी कभी तो कमाई ना होने के कारण उन सबको भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन की बात है, आज मिस्टी के पिताजी की तबीयत खराब थी। मिस्टी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज आप रिक्शा चलाने नहीं जाओ। अगर मैं रिक्शा चलाने नहीं गया तो तुम सबको भूखा ही सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं पिताजी, मैं कहीं ना कहीं से पैसों के इंतजाम कर लूंगी, पर आप रिक्शा चलाने नहीं जाएंगे और आप घर पर ही रहकर आराम करेंगे। मिस्टी के पिताजी मिस्टी के मना करने पर रिक्शा चलाने नहीं जाते और वो घर पर ही आराम करते हैं। मिस्टी जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी वो बच्चों के माता पिता से एडवांस मांगती है, पर कोई भी मिस्टी को एडवांस नहीं देता, जिससे मिस्टी परेशान हो जाती है। पैसों का इंतजाम ना होने के कारण मिस्टी के परिवार को भूखा ही रहना पड़ता है। ये देखकर मिस्टी का मन बड़ा दुखी होता है और वो सोचने लगती है, ऐसा कब तक चलेगा, पिताजी में भी अब इतनी ताकत नहीं रही कि वो रिक्शा चला सके और मेरे ट्यूशन पढ़ाने से खर्चा पूरा नहीं हो पाता, उसके लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और अगले ही दिन मिस्टी काम की तलाश में घर से निकल जाती है और वो सब जगह काम की तलाश में जाती है और उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर वो ढूंढते ढूंढते एक अस्पताल में पहुंचती है और हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर जाती है। सर क्या आपके अस्पताल में मुझे काम मिल सकता है? तुम कितना पढ़ी लिखी हो और क्या काम कर सकती हो? सर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप मुझे जो भी काम देंगे मैं कर लूंगी। हाँ एक काम है, अगर तुम वो काम कर लो तो। सर मैंने कहा ना, आप मुझे जो भी काम देंगे मैं कर लूंगी। ठीक है, यहाँ एक सफाई कर्मचारी की जगह खाली है, तुम वो काम कर सकती हो। तुम्हें उस काम के महीने के 10,000 रुपए मिलेंगे। मिस्टी काम करने के लिए हाँ कर देती है और अगले ही दिन से अस्पताल में सफाई का काम करने लग जाती है। जब से मिस्टी काम करने लगी थी कम से कम अब मिस्टी के परिवार वालों को भूखा नहीं सोना पड़ता था। ये देख कर मिस्टी बड़ी खुश रहती थी। इसी तरह मिस्टी को अस्पताल में काम करते करते 2 महीने बीत जाते हैं। तभी एक दिन अस्पताल का मालिक मिस्टी को आकर कहता है, मिस्टी आज से तुम्हारी रात की ड्यूटी है, तुम्हें रोज रात को अस्पताल में ही रुकना पड़ेगा। अब मिस्टी मना तो कर नहीं सकती थी, आखिर ड्यूटी तो ड्यूटी है। फिर मिस्टी रोज रात को अस्पताल में रुककर काम करने लगी। तभी एक दिन की बात है, मिस्टी रात को अस्पताल में सफाई का काम कर रही थी। तभी मिस्टी को डॉक्टर के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी, तो वो छुप कर उनकी बातें सुनने लगती है। आज जो औरत हमारे अस्पताल में इलाज के लिए आई है, कल हम उस औरत की किडनी निकाल कर बेच देंगे और कह देंगे कि उसके शरीर में जहर फैलने के कारण उसकी मौत हो गई और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मिस्टी उन सभी डॉक्टरों की बात सुन रही होती है, तभी पीछे से एक डॉक्टर आ जाता है और मिस्टी से कहता है, तुम यहाँ डॉक्टर के कमरे के बाहर क्या कर रही हो?
मिस्टी घबरा जाती है और डॉक्टर की सुनी सारी बातें उसे बता देती है। डॉक्टर साहब, यहाँ बहुत गड़बड़ है। कल ये सब लोग एक औरत की किडनी निकाल कर बेच देंगी और उसे मार देंगी। उसे बचा लो डॉक्टर साहब। मुझे बताओ वो कौन लोग हैं, मैं उन लोगों को देखता हूँ। फिर डॉक्टर मिस्टी के साथ कमरे में जाता है और वहाँ बैठे सभी डॉक्टर से कहता है, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मेरे अस्पताल में ऐसा गंदा और घिनौना काम होता है और मुझे खबर तक नहीं। अगर मिस्टी ने तुम सबकी बातें सुनी नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चल पाता। डॉक्टर की बातें सुनकर कमरे में बैठे हुए सभी डॉक्टर घबरा जाते हैं। फिर थोड़ा रुक कर जोर जोर से हंसने लगते हैं और मिस्टी के साथ खड़ा डॉक्टर वो भी हंसने लगता है। मिस्टी ये सब देखकर सब समझ जाती है। अच्छा, तो तुम सब मिले हुए हो। तुम लोग सबकी किडनी निकाल कर बेचते हो, फिर उन्हें मार डालते हो। मैं अभी तुम सब लोगों की शिकायत पुलिस में करके आती हूँ। जैसे ही मिस्टी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पकड़ो इसे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसको जिंदा रखना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, इसलिए इसका मरना बहुत जरूरी है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, वो मेरे बगैर मर जाएंगे। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मिस्टी चीखती रहती है पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता और फिर सभी लोग मिस्टी को मार डालते हैं और उसे शहर से दूर जंगल में फेंक देते हैं। मिस्टी मरने के साथ एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और वो अस्पताल में घूमने लगती है। फिर एक रात अचानक उसी अस्पताल में एक मरीज आता है तो चुड़ैल मरीज के अंदर घुस जाती है और फिर सभी डॉक्टर एक कमरे में आपस में बातें करते हैं। इस मरीज की किडनी बेचकर इसे भी मार देंगे और कह देंगे कि तुम लोगों ने मरीज को लाने में देर कर दी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है और मरीज के पास एक डॉक्टर उसे चेक करने आता है। जैसे ही वो मरीज को चेक करता है तब ऑपरेशन थिएटर की लाइट अपने आप से बुझने लगती है और तरह तरह की आवाजें आने लगती है। ये देखकर डॉक्टर बुरी तरह डर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये लाइट अपने आप जल बुझ क्यों रही है? फिर डॉक्टर बड़ी हिम्मत करके मरीज को चेक करने लगता है कि मरीज कहीं होश में तो नहीं है। जैसे ही डॉक्टर मरीज का हाथ पकड़ता है वैसे ही मरीज के अंदर घुसी चुड़ैल डॉक्टर का गला पकड़ लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। हा 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 हा, किडनी निकालेगा तू मेरी? अब निकाल कर दिखा। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहती हो? जिसे तुम लोगों ने मार दिया था। ये देखकर डॉक्टर डर जाता है और अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती। फिर चुड़ैल दोनों हाथों से डॉक्टर की किडनी निकालकर डॉक्टर को मार देती है। फिर तभी वहाँ दूसरा डॉक्टर मरीज के पास आता है और डॉक्टर को मरा हुआ देखकर डर जाता है। अरे, ये डॉक्टर कैसे मर गया? और इसकी किडनी किसने निकाली? और इस डॉक्टर को किसने मारा होगा? इस तरह डॉक्टर को मरा हुआ देखकर वो डॉक्टर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है। भागता कहाँ है, अब तेरी बारी है। किडनी निकालेगा तू सबकी? अच्छा, तो ये सब तुमने किया है? हाँ, ये सब मैंने किया है। मैंने ही इस डॉक्टर की किडनी निकाली है और अब मुझे तेरी किडनी निकालनी है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। आज से मैं कभी किसी की किडनी नहीं निकालूंगा। लेकिन चुड़ैल उस डॉक्टर की नहीं सुनती और उसे भी मार देती है। तभी वहाँ पर एक और डॉक्टर आता है और वो मरे हुए डॉक्टर को देखकर घबरा जाता है। अरे, ये क्या? तभी वहाँ एक वार्ड बॉय आता है और वो देखता है कि चुड़ैल डॉक्टर की गर्दन पकड़े हुए है। यह तो चुड़ैल है, मुझे जल्दी से अस्पताल के मालिक को बुलाकर लाना पड़ेगा। फिर जैसे ही चुड़ैल डॉक्टर की किडनी निकालने वाली होती है वैसे ही वार्ड बॉय अस्पताल के मालिक को बुलाकर वहाँ ले आता है और मालिक चुड़ैल को रोकता है। छोड़ दो इसे, तुम इसे क्यों मार रही हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इन लोगों ने मुझे मारा, मेरे घर वालों को बेसहारा कर दिया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे मार डाला। मेरे माँ पिताजी को मेरी जरूरत थी, मुझे अपने अपाहिज भाई का इलाज करवाना था। अब वो कभी अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। इन लोगों को मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई। इन लोगों ने पैसों के लालच में ना जाने कितने मासूमों की बलि चढ़ा दी।
वो भी चंद पैसों के लिए। तुम जैसे डॉक्टर को जीने का कोई हक नहीं। अस्पताल का मालिक चुड़ैल की सारी बात समझ जाता है और उस डॉक्टर को छोड़ने के लिए कहता है। छोड़ दो इसे, इसकी सजा इसे कानून देगा। तुमने तो मेरे अस्पताल को बदनामी के दाग से बचा लिया। मैं तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी उठा लूँगा और तुम्हारे भाई का अच्छे से इलाज करवाऊंगा, जिससे वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। और अस्पताल के मालिक के कहने से चुड़ैल डॉक्टर को छोड़ देती है। चुड़ैल का बदला पूरा होते ही चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। और जो सब कुछ आज सुबह माहिरा ने क्लास के अंदर देखा था, वो सब सोनाली भी अपनी आंखों से देखती है। पूरी क्लास में खून के छींटे थे और ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा था कि मैं वापस आ गई हूँ। यह सब देखकर सोनाली पूरी तरह से डर जाती है और उसके बाद वो चुड़ैल भी उन्हीं के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों थर थर कांपने लगती है। क्लासरूम में चुड़ैल का साया। एक बार की बात है, शिवमपुर नामक गांव में एक स्कूल था, जिस स्कूल में गांव के सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसे ही एक दिन 9th क्लास के बच्चे अपनी क्लास में बैठे पढ़ाई कर रहे थे, तभी एक स्टूडेंट कहती है, हमारी पुरानी क्लास बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसमें ना पंखे थे और ना ही लाइट्स थी, और इस क्लास में तो पंखे भी हैं, लाइट्स भी है और ब्लैक बोर्ड भी बिल्कुल साफ है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पता नहीं क्यों प्रिंसिपल मैम ने इस क्लासरूम को बंद कर रखा था। तभी क्लास टीचर आ जाती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन और अब जल्दी से अपनी बुक निकालो, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे 7th क्लास का टेस्ट लेना है। गुनगुन मैम के कहने पर सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लेते हैं। उसके बाद गुनगुन मैम सभी बच्चों को पढ़ाती है कि तभी गुनगुन मैम को ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीछे से उनके बाल खींचे हो। तभी गुनगुन मैम गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, ये शरारत किसने की? मेरे पीछे से बाल किसने खींचे? मुझे सच सच बताओ, किसने मेरे बाल खींचे? गुनगुन मैम, ये आप क्या कह रही हैं? आप हमारी टीचर हैं, हमारी गुरु हैं। भला हम आपके साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? हम तो ऐसा मजाक सपने में भी नहीं कर सकते। बातें बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सच बताओ, मेरे बाल किसने खींचे? ओह, समझ गई। ये शरारत तुम सब बच्चों ने मिलकर की है, इसीलिए तुम एक दूसरे का नाम नहीं बताओगे। तो ठीक है, सबको एक साथ ही पनिशमेंट दे देती हूँ। और ऐसा कहकर गुनगुन मैम क्लास के सभी बच्चों को हाथ ऊपर कर खड़ा कर देती है। सभी बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि उनकी गलती भी नहीं थी, उन्होंने ये शरारत नहीं की थी और उसके बाद भी उन्हें पनिशमेंट मिलती है। क्लास टीचर बाहर चली जाती है, तभी एक स्टूडेंट कहती है, माहिरा ब्लैक बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। कैसा लगा मेरा मजाक? इसका मतलब गुनगुन मैम ने जानबूझकर हमें पनिशमेंट दी? वो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो क्लास के बच्चों के साथ मजाक करेगी, हमारे साथ मजाक करेंगी। बच्चे इस कश्मकश में थे कि गुनगुन मैम ऐसा कैसे लिख सकती है, और वो छुट्टी तक ऐसे ही हाथ ऊपर कर खड़े रहते हैं। अगले दिन दोबारा से ऐसा होता है, गुनगुन मैम पढ़ाने आती है और इस बार उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी कमर पर कुछ चल रहा हो, और वो रेंगता रेंगता आगे आ जाता है और जैसे ही गुनगुन मैम देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है, छिपकली छिपकली आ। मैम क्या हुआ, आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? तुम्हें ये जहरीली छिपकली नजर नहीं आ रही? कितनी ज्यादा खतरनाक है, पीछे हटो। सभी बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे, क्योंकि वहाँ उन्हें कोई छिपकली नजर नहीं आ रही थी, लेकिन गुनगुन मैम को एक खतरनाक जहरीली छिपकली नजर आ रही थी। तो तुम सभी बच्चों ने मेरे साथ मजाक किया? ये नकली छिपकली है ना, जिस वजह से तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपनी टीचर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अपनी टीचर के साथ मजाक करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें तो इसकी सजा मिलकर रहेगी। और तुम्हारी ये सजा है कि इतनी ज्यादा गर्मी में बाहर ग्राउंड में जाकर खड़े हो जाओ, और जब तक छुट्टी नहीं हो जाती तब तक गर्मी में खड़े रहो। मेरे साथ मजाक करोगे? हाँ, मेरे साथ मजाक करोगे? सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि गुनगुन मैम को हुआ क्या है, और वो अपने टीचर की बात मानकर ग्राउंड में खड़े हो जाते हैं। कुछ समय बाद प्रिंसिपल मैम आती है और उन सभी बच्चों से कहती है, पूरी क्लास एक साथ यहाँ क्या कर रही है? गुनगुन मैम ने पनिशमेंट दी है, कल भी उन्होंने हमें पनिशमेंट दी जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं थी, और आज भी उन्होंने हमें पनिशमेंट दी, हमारी कोई गलती भी नहीं थी।
हाँ, गुनगुन मैम को तो पागल कुत्ते ने काटा है, जो वो तुम्हें बिना गलती के इतनी बड़ी पनिशमेंट देंगी। प्रिंसिपल मैम, जब से हम नई क्लास में गए हैं तब से ना जाने गुनगुन मैम को क्या हो गया है। कभी उन्हें ऐसा लगता है कि हमने उनके बाल खींचे हैं, कभी उन्हें ऐसा लगता है कि हमने उनके ऊपर जहरीली छिपकली छोड़ी है। और आपको पता है, वो हमें पनिशमेंट देने के बाद ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख कर जाती हैं? कैसा लगा मेरा मजाक? ऐसा टीचर कैसे लिख सकती है? बच्चे भी बहुत ही ज्यादा ड्रामेबाज होते हैं। चुपचाप खड़े रहो। प्रिंसिपल मैम ऐसा कहकर चले जाती है। माहिरा को बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है और वो कहती है, मैं क्लास में पानी की बोतल लेने जा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, किसी को पानी पीना है क्या? माहिरा अपने क्लास के बच्चों से ऐसा कहकर पानी की बोतल लेने के लिए जैसे ही अपनी क्लास में आती है तो वो अपनी क्लास का नज़ारा देखकर चौंक जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। बुक्स बिखरी पड़ी थी और क्लास के अंदर पैरों के निशान थे, और वो भी खून में सने हुए, और ब्लैक बोर्ड पर भी खून की छींटे थी, और खून से लिखा हुआ था, मैं वापस आ गई हूँ, सबका खून बहाया जाएगा, सबका खून बहाया जाएगा, क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ। यहाँ कौन है? इस क्लास में कौन है? किसने ये लिखा है? कौन है जो वापस आ गई है? और उसका इन किताबों से क्या लेना देना? उसने इन किताबों को क्यों फाड़ा? और कोई भी चीज़ अपनी जगह पर क्यों नहीं है? कौन है यहाँ पर? छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है, मुझे नीचे उतारो। कौन है, कौन है यहाँ पर? माहिरा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पनिशमेंट दी थी, और तुम यहाँ क्लास के अंदर क्या कर रही हो? मैंने कहा था जब तक छुट्टी नहीं हो जाती तुम बाहर ग्राउंड में रहोगी, और तुम यहाँ क्लास के अंदर। गुनगुन मैम, मैं अभी हवा में लटकी हुई थी, किसी ने मेरा गला दबा रखा था और ब्लैक बोर्ड पर लिखा था कि मैं वापस आ गई हूँ, सबका खून बहाया जाएगा, और इस क्लास के अंदर सभी बैग्स इधर उधर पड़े थे, किताबें इधर उधर, और पैरों के निशान भी थे, और वो भी खून के सने हुए। इस क्लास का दृश्य बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? तुम अभी हवा में लटकी हुई थी, तुम्हारा किसी ने गला दबा रखा था, और ब्लैक बोर्ड पर खून से लिखा हुआ था कि मैं वापस आ गई हूँ, पैरों के भी निशान थे, वो भी खून से सने हुए, और बैग भी इधर उधर पड़े थे, बुक्स भी फटी हुई थी, यहाँ तो कुछ ऐसा नजर ही नहीं आ रहा, सब चीज अपनी जगह पर है, और तुम किससे हंस हंस कर बातें कर रही थी? फोन लेकर आती हो क्या? माहिरा अपनी क्लास टीचर को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि उसने इस क्लास के अंदर ये सब देखा, लेकिन उसकी क्लास टीचर को विश्वास ही नहीं होता। और उसके बाद माहिरा जो देखती है उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि गुनगुन मैम के पीछे एक बहुत ही ज्यादा डरावनी चुड़ैल नजर आती है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। प्रिंसिपल मैम माहिरा के पेरेंट्स को बुलाकर उसे घर भेज देती हैं। माहिरा को जब होश आता है तो उसके दिमाग से वो चुड़ैल निकल ही नहीं रही थी, और उसकी माँ दवाई खिलाकर उसे सुला देती है, और जब माहिरा सो जाती है तो उसे सपने में वो चुड़ैल नजर आती है। माहिरा, माहिरा उठ जाओ, और तुम्हें क्या मेरा राज नहीं जानना? ये नहीं जानना कि उस क्लास में कौन है, क्यों है और कैसे है? तुम्हें ये सब जानना चाहिए, तुम उस स्कूल के स्टूडेंट हो, तुम्हारा अधिकार है ये जानना कि उस क्लास में मैं क्या कर रही हूँ। माहिरा, माहिरा उठ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कौन है ये चुड़ैल? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? आखिर मैंने इस चुड़ैल का क्या बिगाड़ा है? सपने में भी आ रही है, चारों तरफ वही नजर आ रही है। माहिरा बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ भी नहीं, आप प्लीज मेरा फोन ला कर दे दीजिए। हेलो माहिरा, क्या हुआ? तू इतनी ज्यादा घबरा क्यों रही है? सोनाली, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे तेरे सहारे की जरूरत है। हाँ हाँ माहिरा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, क्या हुआ? सोनाली, तुझे मेरी बात पर विश्वास करना होगा। माहिरा एक एक कर सोनाली को सब बताती है, जिसे सुनने के बाद सोनाली कहती है, माहिरा पहली बात तो ये कि इस दुनिया में भूत प्रेत आत्माएं ऐसा कुछ भी नहीं है, और दूसरी बात, अगर तुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो ये सब तेरी तबीयत की वजह से हो रहा है, जब तबीयत खराब होती है तो ऐसा ही महसूस होता है। ठीक है, तू भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही ना, तो मत कर, मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं अभी उस स्कूल में जाऊंगी और उस क्लास का पता लगा कर रहूंगी कि उस क्लास में वो चुड़ैल क्यों रहती है, उसका क्या राज है। अब तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो तुझे इस तरह से अकेला तो छोड़ नहीं सकती, लेकिन वहाँ जाकर तुझे भी विश्वास हो ही जाएगा कि उस क्लास में कोई नहीं है, ये तेरा बस एक भ्रम है और कुछ नहीं। माहिरा जिद करती है कि उसे अभी स्कूल में जाना है, और उसकी दोस्त सोनाली उसे अकेला नहीं छोड़ती, और वो भी अपने घर से आ जाती है,
माहिरा और सोनाली दोनों ही स्कूल के अंदर आ जाती हैं। स्कूल के अंदर आते ही दोनों को बहुत ही ज्यादा डरावनी डरावनी आवाजें आनी शुरू हो जाती है। दोनों को बहुत ही ज्यादा डर लगता है। देखा, मैंने कहा था ना, देख तुझे भी कितना ज्यादा डर लग रहा है, थर थर कांप रही है। फोन पर तो कह रही थी कि भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ भी नहीं होता, अब समझ में आ गया? मैं डर नहीं रही, स्कूल हमारा जंगल के पास है, रात में जंगली जानवर दहाड़ते हैं, उन्हीं की आवाज आ रही है। चुपचाप क्लास में चल, अभी तेरा भ्रम टूट जाएगा। सोनाली को अंदर से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो माहिरा को ऐसा दिखाती है जैसे उसे डर लग ही नहीं रहा। और दोनों डरते डरते उस क्लास तक पहुँच जाती है, और जो सब कुछ आज सुबह माहिरा ने क्लास के अंदर देखा था वो सब सोनाली भी अपनी आँखों से देखती है। पूरी क्लास में खून के छींटे थे और ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा था कि मैं वापस आ गई हूँ। यह सब देखकर सोनाली पूरी तरह से डर जाती है, और उसके बाद वो चुड़ैल भी उन्हीं के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों थर थर कांपने लगती है। इस क्लास में तो सच में चुड़ैल है, माहिरा तूने तो सच कहा था, चुड़ैल। मुझे तो ये सब बातें झूठी लगती थी, मैं तो इन पर भरोसा ही नहीं करती थी, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि भूत प्रेत आत्माएं होती है। इस स्कूल में ये क्या कर रही है? चुड़ैल जी हमें छोड़ दो, हमें हमारे घर वापस जाने दो। सोनाली डर मत, अगर इस चुड़ैल को हमें मारना होता तो ये हमें कब का मार देती, इस तरह से हमें परेशान नहीं करती। देखो चुड़ैल जी, अब आप बताइए कि आप इस क्लास में क्या कर रही हैं और हमें क्यों डरा रही हैं और आप क्या चाहती हैं? एक साथ इतने सारे सवाल एक एक कर बताती हूँ। माहिरा, तू तो इस चुड़ैल से ऐसे बातें कर रही है जैसे तेरी क्लासमेट हो या फिर तेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। सुबह ये सब देखकर मैं भी बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन उसके बाद मेरा डर निकल गया जब सपने में ये चुड़ैल मुझे नजर आई, क्योंकि अगर ये हमें मारना चाहती तो कब का मार देती, इस तरह से हमारे टीचर को परेशान नहीं करती, मुझे इस तरह से नजर नहीं आती। चुड़ैल जी बताइए कि आप हमसे क्या चाहती हैं? माहिरा के इतना कहती ही वो चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है, और उसके बाद वो चुड़ैल उन दोनों को अपनी आप बीती बताती है। तुम्हें पता है इस स्कूल को बनाने के लिए मैं मेरे पिताजी ने कितनी ज्यादा मेहनत की थी, खून पसीने की सारी कमाई इस स्कूल को बनाने में लगा दी। मेरे पिताजी का एक दुष्ट दोस्त, उसने मेरे पिताजी को धोखा दिया, मेरे पिताजी को रास्ते से हटाकर इस स्कूल का मालिक बन गया। मैं भी इस स्कूल में पढ़ाती थी, मैं बहुत अच्छी टीचर थी, मैं उन्हें अपने पिताजी के जाने के बाद अपने पिताजी के समान मानती थी। लेकिन जिस दिन मुझे उनकी सच्चाई पता चली कि मेरे पिताजी को रास्ते से हटाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही दुष्ट इंसान है, तो मैं उसके पास उससे पूछने गई कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा अपनी जवान अंदर रखना, अगर किसी को कुछ बताया तो तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचा दूंगा। फिर क्या हुआ? होना क्या था, वही हुआ जो उसने कहा था। मैंने ठान लिया था कि मैं चुप नहीं बैठूंगी, इसकी सच्चाई सबको बता कर रहूंगी। ऐसे ही एक दिन मैं सभी बच्चों को पढ़ा रही थी, छुट्टी हो जाने के बाद मैं क्लास में बैठी कुछ काम कर रही थी, तभी वो मेरी क्लास में आया और उसने मुझे एक खतरनाक जहर दिया और उसके बाद मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया और इसी क्लास में मेरी मौत हो गई। और उस दिन से लेकर आज तक मेरी आत्मा इस क्लास में भटक रही है। मैंने अपनी आत्मा को मुक्ति दिलाने की बहुत कोशिश की, उस दुष्ट इंसान से बदला लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अकेले ये नहीं कर सकी क्योंकि मेरी आत्मा इस क्लास से बाहर निकल ही नहीं पाती। अब आप क्या चाहती हैं? हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? मुझे वो दुष्ट इंसान चाहिए, मैं इस क्लास से बाहर नहीं निकल पाती, मुझे वो इंसान चाहिए। क्या तुम मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उस दुष्ट इंसान को इस क्लास में लेकर आओगी? हम दोनों आपकी मदद जरूर करेंगे और आपको मुक्ति जरूर दिलाएंगे। उस दुष्ट इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया हो, तुम्हारे पिताजी के साथ इतना गलत किया हो। सोनाली और माहिरा चुड़ैल का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, और वो चुड़ैल उन्हें बता देती है कि वो इंसान कहाँ मिलेगा। कुछ समय तो लगता है, लेकिन वो इंसान मिल जाता है, और उसके बाद वो दोनों उसे स्कूल में लेकर आ जाती है, और उसके बाद वो चुड़ैल अपनी मौत का बदला ले लेती है। जैसे ही वो इंसान मरता है वैसे ही चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, और वो दोनों दोस्तों को धन्यवाद कहकर इस क्लास से चली जाती है। चुड़ैल को मुक्ति दिलाने के बाद दोनों दोस्तों की सांस में सांस आती है।
माहिरा, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमने एक चुड़ैल को मुक्ति दिलाई। वो कितनी अच्छी थी, उसके साथ कितना गलत हुआ। माहिरा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम हिम्मत से काम नहीं लेती, ऐसी ही डरती रहती, तो बेचारी चुड़ैल को अभी भी इंसाफ नहीं मिलता। चलो अच्छा है कि एक चुड़ैल को हमने मुक्ति दिलाई। अब गुनगुन मैम को कोई परेशान नहीं करेगा और हमें पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। सोनाली और माहिरा चुड़ैल को मुक्ति दिलाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो किसी को नहीं बताती कि इस क्लास में चुड़ैल थी और उन्होंने उसे मुक्ति दिलाई। वो इस राज को राज ही रखती है।